आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवकलन की एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ मैथ। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम आपको, आज टॉपिक में हमारे ये हैं। पहला क्वेश्चन उतारते हैं, एक्स बाई और बाई की पावर एक्स बराबर वन, इसको हमने यू मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, बराबर वन हो गया। ये हम लिख सकते हैं डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स बराबर ज़ीरो। यू बराबर हमने इतना उतार लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, बाद में हम सारी वैल्यूज इसी में रखेंगे। ये हमने माना है, इसको यू मान लिया, इसको बी, तो इस इक्वेशन में ही हम बाद में सब वैल्यू रखते हैं। पिछले भी हमने क्वेश्चन करे थे तो यू बराबर इतना पार्ट उतार लेंगे, यू बराबर एक्स वाई, यू बराबर एक्स की पावर वाई, लॉग लेने पर लिखेंगे, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग यू बराबर बाई लॉग एक्स, लॉग यू का हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स, बाई को छोड़ देंगे लॉग एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स को छोड़ देंगे और बाई लिखेंगे, वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स, इसका हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा बाई डैश या डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स डी बाई इंटू डी एक्स, ये हो गया डी यू बटे डी एक्स लिखेंगे, बाई अपॉन एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और इसके साथ में लॉग एक्स लिखेंगे और ये जो यू है वो यहाँ आ जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स ऐसे ही रहेगा, बाई अपॉन एक्स उतारेंगे, डी बाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स लिखेंगे और ये जो यू की वैल्यू है ये आ जाएगी एक्स वाई, एक्स वाई इसको छोड़ देंगे यहीं। अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट उतारेंगे, इसका दूसरा हिस्सा उतारेंगे, बी बराबर बाई एक्स, बी बराबर माना बी बराबर बाई एक्स, ये भी माना ही है हमने। अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बी, लॉग लेने पर हम यहाँ लिख चुके हैं तो इसलिए नहीं लिखेंगे, लॉग बी बराबर हो जाएगा बाई लॉग एक्स, एक्स पहले आ जाएगा, जो जो एक्स पावर है ये पहले आ जाएगी और ये बाई यहाँ आ जाएगा, जैसे इसको छोड़ा था इसका किया था फिर इसको छोड़ा, ऐसे ही इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन बी डी बी ओवर डी एक्स बराबर, एक्स को छोड़ देंगे लॉग बाई का करेंगे, लॉग बाई को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे, एक्स का ऐसे ही रहेगा, लॉग बाई का हो जाएगा वन अपॉन बाई, साथ में आएगा डी बाई डी एक्स, फिर लॉग बाई को छोड़ देंगे इसका वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन बी डी बाई बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स को उतार देंगे, ये हो जाएगा एक्स बटे बाई, डी बाई बटे डी एक्स ऐसे ही लिख देंगे, लॉग बाई लिख देंगे और ये बी यहाँ आ जाएगा, डी बाई डी बी, ये डी बी है, यहाँ हमने डी बी कर दिया, डी बी बटे डी एक्स बराबर एक्स अपॉन बाई डी बाई बटे डी एक्स और ये हो जाएगा लॉग बाई, और ये जो बी की वैल्यू है ये क्या है, ये ई है बाई, ये वैल्यू है बाई की पावर एक्स, बाई की पावर एक्स। अब ये डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू और डी बी बटे डी एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे समीकरण एक में, तो लिखेंगे डी यू बटे डी एक्स बा डी बी बटे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो ये आ जाएगा
du बटे dx का मान रखेंगे, du बटे dx क्या है, du बटे dx ये है पूरी लाइन, y अपॉन x प्लस dy बटे dx log x, y बटे x प्लस dy dx log x, और इस पूरे के बाहर कौन है, xy, फिर प्लस का साइन, इसके बाद ये वैल्यू आएगी x बटे वाई डी वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, और इस पूरे के बाहर है वाई की पावर x बराबर है जीरो। अब देखिए डी वाई डी एक्स तो यहां पर भी है, डी वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स वाई लॉग एक्स, एक्स वाई लॉग एक्स बचा, डी वाई डी एक्स यहां पर यह कॉमन आ चुका है तो बचा एक्स बटे वाई, और क्या बचा बाई एक्स, ब्रैकेट में बंद हो गया बराबर, ये बचा बाई अपॉन एक्स और एक्स वाई, बाई अपॉन एक्स और एक्स वाई उधर चला गया बराबर के, और ये बचा माइनस बाई एक्स लॉग बाई, बाई एक्स लॉग बाई, ये पूरी चीज इसके नीचे आ गई, तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स वाई लॉग एक्स, एक्स वाई ये जो टर्म थी वो यहां से आई थी, ये वाली टर्म डी वाई डी एक्स, तो ये डी वाई डी एक्स यही तो एक्स वाई बाई एक्स इससे बनी थी, बाई एक्स एक्स अपॉन बाई, बाई एक्स ये एक्स अपॉन बाई और बाई एक्स। अब हमने क्या किया, ये पूरा नीचे जाएगा, तो ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया लॉग एक्स और एक्स बटे बाई, और ये हो गया तुम्हारा बाई एक्स। अब ये माइनस कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये बच गया बाई बटे एक्स एक्स वाई माइनस बाई बटे एक्स लॉग वाई, पूरा ब्रैकेट बंद, माइनस कॉमन है तो ये प्लस, और इसको भी ब्रैकेट में कर दो, ये आपका हो गया आंसर। क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना था, हम पहले ही लिख चुके हैं, डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई की पावर एक्स और एक्स की पावर बाई, तो सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों साइड में लॉग ले लिया, लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग बाई, ये हो जाएगा बाई लॉग एक्स। अब इसमें दो पद आ गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको छोड़ देंगे और लॉग बाई का करेंगे। देखो एक्स को छोड़ा, लॉग बाई का किया, अब किसे छोड़ेंगे, अब लॉग बाई को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे, ठीक इसी प्रकार बाई को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का करेंगे, फिर लॉग एक्स को छोड़ेंगे और बाई का करेंगे, तो ये एक्स का होगा नहीं, इसका हो जाएगा वन अपॉन बाई डी बाई ओवर डी एक्स लॉग बाई, इसका हो जाएगा वन, लॉग बाई का होगा नहीं, बाई का होगा नहीं, इसका हो जाएगा एक्स, लॉग एक्स का होगा नहीं, और इसका हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स, डी बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ कर लेंगे तो एक्स अपॉन बाई, अब लिखेंगे एक्स अपॉन बाई डी बाई बटे डी एक्स, एक्स अपॉन बाई डी बाई डी एक्स, और फिर ये इधर ले आएंगे, तो ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स बराबर, ये बाई अपॉन एक्स यही रहेगा, ये उधर ले जाएंगे ये वाला, तो बाई बटे एक्स माइनस ये इधर आ गया लॉग बाई, डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो ये बचा एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स, ये हो गया बाई बटे एक्स, या इसको और हल कर ले रहे हैं, कैसे हल करेंगे, एक्स ले लो
तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई। देखो एक्स का मल्टीप्लाई हो गया इधर, ये इस तरह से हो गया। ऐसे ही यहाँ कर लो, यहाँ पर बाई एलसीएम एक्स, ऐसे ही ये हो जाएगा बाई लॉग एक्स। ये बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स, ये जब इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो डी बाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी बाई बटे एक्स, बाई बटे एक्स, बाई यहाँ और एक्स ये, और ये ऊपर ही रहेगा और ये चीज कहाँ आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो ये देखा आपने, ये आपका आंसर आ गया। डी बाई डी एक्स की वैल्यू पता नहीं थी, बता दी, यही डी बाई डी एक्स की वैल्यू है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी के आगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कॉज एक्स की पावर बाई बराबर कॉज बाई की पावर एक्स लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा बाई लॉग कॉज एक्स बराबर एक्स लॉग कॉज बाई, बाई लॉग कॉज एक्स। तो यहाँ से ये पहला पद और ये दूसरा, ये यहाँ से ये पहला ये दूसरा, तो सबसे पहले इसको छोड़ देंगे और लिखेंगे लॉग कॉज एक्स। अब लॉग कॉज एक्स को छोड़ देंगे और लिखेंगे बाई, इसी प्रकार एक्स को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे लॉग कॉज बाई का। अब क्या करेंगे, लॉग कॉज बाई छोड़ देंगे और किसका अवकलन करेंगे, एक्स का। आप देखिए इसका होगा नहीं क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट साइड में इसका हो जाएगा वन अपॉन कॉज एक्स, और इसका दोबारा करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस का प्लस लॉग कॉज बाई का होगा, लॉग कॉज एक्स का होगा नहीं, और इसका हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स, इसका होगा नहीं, इसका हो जाएगा वन अपॉन कॉज बाई, और इसका हो जाएगा कॉज बाई का दोबारा करेंगे साइन बाई, और फिर से करेंगे डी बाई बटे डी एक्स, इसी प्रकार से लॉग कॉज बाई लिख देंगे, इसका बन हो जाएगा, तो बन से मतलब नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस बाई टेन एक्स, माइनस बाई टेन एक्स, तो इसको लिख देंगे माइनस बाई टेन एक्स, बाई टेन एक्स हो गया। इसके बाद में ये जो लॉग कॉज बाई है इसको इधर ले आएंगे, लॉग कॉज बाई को इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस एक्स टेन बाई, माइनस एक्स टेन बाई, माइनस एक्स टेन बाई, साइन बटे कॉस टेन होता है तो माइनस एक्स टेन बाई, और डी बाई डी एक्स क्या लिख देंगे इसके साथ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिख दिया। ये टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई, ये भी हो गई, ये बची, देखो ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, अब ये वाली बची तो इसको उधर ले गए, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग कॉज एक्स, लॉग कॉज एक्स। अब इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन है, डी बाई डी एक्स कॉमन है, तो ये बचा माइनस एक्स टेन बाई माइनस लॉग कॉज एक्स, लॉग कॉज एक्स है, लॉग कॉज एक्स ये वाला, ये ऐसे ही रहा। माइनस इसमें से भी कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही रहने दो अभी। ये हो गया टेन एक्स और लॉग कॉज बाई, माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेके इधर से कट गया, तो आया डी बाई डी एक्स बराबर,
ये पूरी लाइन लिख देंगे, बाई टेन एक्स माइनस लॉग कॉज बाई अपॉन एक्स टेन बाई प्लस लॉग कॉज एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी हटा दिया, माइनस से मतलब क्या है, दोनों तरफ प्लस हो गया, ये भी पूरी टर्म प्लस की हो गई और ये टर्म भी प्लस की, दोनों सब तरफ माइनस है ना, इसलिए तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के आगे हम और बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन है हमारा चौथा, एक्स बाई की पावर है ई एक्स माइनस बाई, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा, लॉग लेने पर सबसे पहले लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर हमने लिखा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, गुणा का निशान है तो लॉग एक्स प्लस लॉग बाई हो जाएगा, और ये e की पावर है, जब इसमें लॉग लेंगे तो ये हट जाएगी तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब हम इसे हल करेंगे तो इसका कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई और डी बाई डी एक्स, ये x माइनस वाई ऐसे ही रहा, ये 1 अपॉन x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वन अपॉन बाई डी बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस बाई और माइनस का वन अपॉन एक्स। देखिए मैं फिर से बताऊँ आपको, इसमें हमने क्या किया, ये दो पद है, इसको छोड़ेंगे भाई, हमने लॉग लिया तो लॉग लेने से क्या हुआ, लॉग एक्स हो गया, गुणा का निशान है बीच में, गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लॉग क्या बना देता है, प्लस बना देता है, तो लॉग एक्स हो गया फिर लॉग बाई हो गया। अब देखो जब इधर लॉग लेंगे हम, इधर लॉग लेंगे तो इधर लॉग लेने से क्या होगा, ये पावर पहले आएगी और लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लॉग को ऐसे लिखेंगे ना, देखो मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, इसमें जब ये पीछे आएगा तो ये हो जाएगा लॉग, ये तो पहले आ गया और फिर हो गया लॉग, एक लॉग ई बेस इसका ई होता है और फिर ये वाला ई है, तो ये लॉग ई, लॉग बेस ई का मान, लॉग बेस में भी ई है और उसकी वैल्यू में भी ई, ई की वैल्यू पूछ रहा है तो ये वन होता है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा इधर गुणा है तो ये कितने पद हैं, एक पद ये है और दूसरा ये है, तो लॉग एम एन वाला सूत्र लग गया, इसमें हमने एक सूत्र बताया था लॉग एम इंटू एन, तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले लॉग एम आता है और ये इंटू का साइन प्लस बन जाता है, फिर आ जाता है लॉग एन, तो ये आपका लॉग एम एन का रूल लग गया, तो यही तो लॉग एम एन है, ये पहला ये दूसरा, तो लॉग एक्स हो गया प्लस लॉग बाई हो गया और ये एक्स वाई पहले आ गया। अब हमने क्या करा, इसका करेंगे वन अपॉन एक्स, इसका करेंगे वन अपॉन बाई डी वाई डी एक्स, एक्स का करेंगे एक्स का, अब एक्स का हल, एक्स का जब सॉल्व करेंगे, एक्स का सॉल्व नहीं किया है तो एक्स का जब ये वन हो गया तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा वन और इसका आएगा डी बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स आएगा, ठीक है नहीं, तो हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे वन माइनस डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो डी वाई डी, और ये वाला जो बना पौना एक्स है इसको इधर लिख दो भाई, ये लाइन चल रही, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका वन हो गया, इसका डी वाई डी एक्स हो गया, ये वन हो गया, अब ये ऐसे ही उतार लिया, ये भी ऐसे ही उतार लिया, इधर चला गया, ये वाली जो टर्म है वो इधर चली गई। अब हमने क्या करा, ये डी बाई डी एक्स इधर ले आए क्योंकि ये एक जैसे हम चाह रहे हैं एक तरफ हो जाए, तो वन अपॉन बाई, हम यहाँ लिखेंगे वन अपॉन बाई डी बाई डी एक्स, और ये जो डी बाई डी एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में क्या है, वन है ये हमारे पास, और वन माइनस वन अपॉन एक्स है तो वन माइनस वन अपॉन एक्स, तो वन माइनस वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा वन अपॉन बाई प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स क्रॉस गुणा कर दें तो एक्स माइनस वन बटे एक्स, इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स, और क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं वन प्लस बाई बटे बाई, और ये हो गया x माइनस वन एक्स, ये बाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स हो गया और इसको हम लिखेंगे बाई और ये x नीचे आ जाएगा और लिखेंगे x माइनस वन और ये नीचे आ जाएगा बाई प्लस वन,
और इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये डी बाई डी एक्स का मान हो गया। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, फिर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है 1 प्लस एक्स फोर, फिर लिखा है 1 प्लस एक्स एट। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछ रहा है वो डी वाई डी एक्स, हमने तो ऊपर डी वाई डी एक्स लिख दिया है, लेकिन इसमें जो वैल्यू पूछ रहा है वो डिफरेंट पूछ रहा है। हालांकि फर्क कुछ नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है, वो कह रहा है एफ डैश वन की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू पूछना इसका मतलब, या इसकी वैल्यू पूछ रहा है या डी वाई डी एक्स की वन पे वैल्यू पूछ रहा है, बात बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने इसको बाई मान लिया, हमने लिखा माना, हमने लिखा माना एफ एक्स बराबर बाई। तो जब हम इसे एफ एक्स को बाई मानेंगे तो ये डी वाई डी एक्स बन जाएगा इसके, इसका मतलब ये डी वाई डी एक्स है। तो हमने लिखा बाई बराबर, बाई बराबर वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स फोर, वन प्लस एक्स एट। अब कैसे हल करें, लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग बाई, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स फोर, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स एट। सब में इंटू है तो प्लस बन गया, क्योंकि लॉग की खासियत है प्लस बन जाता है। ये हो गया वन अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन ये नीचे आ जाएगा, मतलब अपॉन में ये एक्स है ना पूरा, तो लॉग एक्स बराबर वन अपॉन एक्स। इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा, इसका दोबारा करेंगे, इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा, इसका दोबारा करेंगे, घात पहले एक कम हो जाएगी, इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा और घात पहले आ जाएगी एक कम हो जाएगी, ये आ गया। ये जो बाई है वो उधर चला जाएगा, ये बाई को, बाई जो है वो उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगी डी बाई डी एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब वन प्लस एक्स फोर प्लस एट एक्स सेवन वन प्लस एक्स एट, ये पूरा हो गया। और बाई की गुणा यहाँ हुई है, तो बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू ये पूरी लाइन, या ये पूरी लाइन, या फिर ये पूरी लाइन। तो वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स फोर, वन प्लस एक्स एट। अब हमसे वो कह रहा है कि एफ डैश वन की वैल्यू बताओ, तो एफ डैश वन यही तो है एफ डैश वन। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन रख दो, वहाँ वहाँ क्या रखना है, वन रखना है। तो एफ डैश वन का मतलब हो गया जहाँ एक्स है वहाँ वन रख दो, तो यहाँ हम रखेंगे वन, तो वन अपॉन वन प्लस टू नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि टू हो जाएगा, तो टू लिखो प्लस, ये हो जाएगा यहाँ वन रखोगे तो दो एकम दो, और ये भी दो हो जाएगा प्लस, ये वन रखोगे तो चार एकम चार, ये क्या हो जाएगा, ये भी टू हो जाएगा, क्योंकि वन की कितनी पावर करो वन ही रहता है। ऐसे ही हम यहाँ पर वन रखेंगे तो एट, ये भी टू हो जाएगा, यहाँ इसमें वन रखेंगे तो ये टू हो जाएगा, ये भी देखो टू हो जाएगा, ये भी देखो टू हो जाएगा, और ये भी देखो टू हो जाएगा। आप कैसे हल करें, तो एफ डैश वन बराबर ये एक बटा दो हो गया प्लस ये, इनमें सम में नीचे दो है तो दो एलसीएम ले लो, ऐसा तरीका सबसे अच्छा है। तो ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट। यहाँ हल करते हैं, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह हो गए, एफ डैश वन बराबर क्या हो गया,
आठ हो तो 10 और ये सब जोड़ कर 15 हो गया, 15 × 16 बटे में 2 आ गया, 2 से काट दो, 2 × 8 = 16, 15 × 8 = 120, तो f'(1) = 120, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।